कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वेलकम बैक ऑन करियर काउच विद शुभंकर। दोस्तों, बहुत सारे करियर्स के विषय में बात करते करते आज हम बात करने आए यहां पे लैंग्वेजेस के ऊपर, यानी भाषा। हम जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक भाषा की। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरे को समझ आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब पढ़ने लिखने के बाद एक इंटरव्यू में बैठते हैं, वहां पे आप जो बोली बोलते हैं, अगर वो इंटरव्यूअर को समझ में आती है तो आपको जॉब मिलता है, आपको एडमिशंस मिल पाते हैं। वहीं पे आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की लेकिन आप कन्वे नहीं कर पाए किसी बात को सही से, तो आपके पास नॉलेज होना बेकार हो जाता है। और शायद इसीलिए जरूरत पड़ती है हमें एक वर्नैकुलर लैंग्वेज की। ज़्यादातर लोग उसको इंग्लिश को ही हम लोग वर्नैकुलर समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देशों में अंग्रेजी कॉमन तौर पर बोली जाती है। तो इसका क्या फर्क वाकई हर एक अगर स्टडीज में कहें, हर एक विषय में कहें, तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैं स्पेशली ये बात तब कहता हूं जब नीट के एग्जाम्स, अभी कल नीट के एग्जाम्स होने वाले हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे, जो 17 तारीख जो कि आज है, माफ करिएगा, आज नीट का एग्जाम्स था, तो नीट के एग्जाम्स में जो बच्चे यहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे वो आगे चल के मेडिकल के कोर्सेज के लिए तैयारी करेंगे। क्या हमने कभी सोचा कि MBBS तो पढ़ने चले आए लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होगी वो इंग्लिश में होने वाली है? तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जब वो उन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उस भाषा को सीखना भी जरूरी है, स्पेशली उस भाषा को जिसमें कि वो विषय ज़्यादातर उस विषय के सारी जो टर्मिनोलॉजी हो उसके ऊपर आधारित हो। इसलिए आज हम बात करेंगे भाषा पर। अच्छा, अनेक अन्य जो विश्व की जो भाषाएं होती हैं वो भी अब धीमे धीमे इंपॉर्टेंस बहुत गेन कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रेंच का एक कोर्स है, अब तो हर एक स्कूल में एक ऑप्शनल स्टडी करके चलता है वो फ्रेंच के लिए। यानी क्लास 7 ऑनवर्ड्स ये हो जाता है कि या तो आप संस्कृत ले लें या हिंदी लिटरेचर लेते हैं या आप फ्रेंच लेते हैं, और बच्चे आजकल फ्रेंच चूज करते हैं क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गुड टू चूज वन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से फ्रेंच को काफी तवज्जो मिलती चली गई। एक और लैंग्वेज है स्पेनिश, इक्वली इंपॉर्टेंट। आफ्टर इंग्लिश अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला फ्रेंच और स्पेनिश आ जाता है। इनफैक्ट कुछ देशों में अंग्रेजी से ज्यादा फ्रेंच और स्पेनिश बोले जाते हैं। आज इसी विषय में हम बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको बुलाया है वो है डॉक्टर मीता घोष। डॉक्टर मीता घोष जो है ये एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है, डबल PhD है, MMA है, और आज वो एक्सपर्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और हम अब उनसे जानेंगे कि फ्रेंच एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसको हमने कितना अडेप्ट किया, उसको कैसे इस्तेमाल किया। और दोस्तों, सिर्फ बात लैंग्वेज की नहीं है, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे हैप्पीनेस के ऊपर। जी हाँ, इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है। कई स्कूल्स इसको, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसको अडेप्ट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस सुन के कितना अच्छा लगता है। अब इसकी डिपार्टमेंट बन रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुश होना भूल गए। तो चलिए खुशियों के बारे में और भाषा के बारे जानने पहुंचते हैं डॉक्टर मीता घोष के पास। चलते हैं स्टूडियो पे। मैम, प्रोफेसर मीता घोष, बहुत बहुत स्वागत करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर, प्राइम टीवी के इस हम्बल से एक स्टूडियो में। सो मैम, क्या कहूँ आपसे, कमो तालिबू। सो मैम, अभी जो हमने भाषा का प्रयोग किया, ये फ्रेंच का एक अपनी तरफ से एक सिग्नेटरी, एक हेलो करना है जिसमें हम लोग पूछते हैं हाउ आर यू, और आपने शायद बताया मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैम, ये जो लिंग्विस्टिक है, ये लैंग्वेजेस हैं, मैं लिंग्विस्टिक पे बात नहीं करूँगा आज, मैं चर्चा करूँगा लैंग्वेज पर, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज पर। अचानक मैम एक ट्रेंड चला अंग्रेजी के बाद, पहले तो यही था कि जो उसको देखे वो कैम्ब्रिज की तैयारी कर रहा है, कैम्ब्रिज इंग्लिश चला, सेला इसके ऊपर चल पड़ा। अब तमाम कॉलेज स्कूल्स में अब एक नया चलन है और वो है फ्रेंच का। बच्चे बहुत जल्दी से ऑप्ट कर रहे हैं और बड़े तादाद में ऑप्ट कर रहे हैं। क्या रीज़न है मैम, ये फ्रेंच लैंग्वेज अचानक इतना ज़्यादा क्यों वायबल होने लग गया है?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और सबसे पहले मैं कुछ बोलने से पहले आपको मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आके बात करने के लिए, और जो थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे लैंग्वेजेस के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में, इस बारे में मुझे मौका मिलेगा आप तक और जितने बच्चे हैं उन तक पहुँचाने के लिए, तो धन्यवाद सबसे पहले। और आपका जो प्रश्न था कि क्यों फ्रेंच लैंग्वेज, सबसे पहले मैं बता दूं क्योंकि मैं एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं फॉर द लास्ट 38 इयर्स नाउ, और मैंने इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ाया है एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, हमने पढ़ाया है लखनऊ के जी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे IIM हो, चाहे IHM हो, चाहे ITS हो, हर जगह। उससे फिर ये फ़ायदा हुआ मुझे कि लोगों को लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, जानकारी ये है कि लैंग्वेज एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसमें आप बैठ करके कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उस गाड़ी में बैठ के आप किसी से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, किसी के साथ वार्तालाप हो सकता है, किसी के साथ आप, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई जानने की ज़रूरत है, किसी और को जानने की है, तो आप उसमें काम आते हैं, इसलिए लैंग्वेज बहुत बहुत मायने रख रहा है आजकल। और आजकल कोई भी फील्ड में, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फील्ड में लैंग्वेज इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसके उसके जरिए आप और बहुत कुछ सीख रहे हैं। सही बात है मैम, स्पेशली जब मैंने देखा है कि जब आप विदेश जाइए जी, तो ये ज्यादातर होता है कि उस समय महसूस होता है कि काश हमें एक और लैंग्वेज आता। कई देश ऐसे हैं, आप पड़ोस में चाहे थाईलैंड में चले जाइए, आप हांगकांग में चले जाइए, हांगकांग जाएंगे थोड़ा मैंड्रिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे, आप सिंगापुर की तरफ चले जाइए वहाँ पे भी जो है मैंड्रिन, और इनफैक्ट वहाँ पे भी काफ़ी स्पेनिश लोग भी काफ़ी बस गए हैं। थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड में एक पूरा एक हिस्सा है जहाँ पे कि वो पूरा फ्रेंच कॉलोनी टाइप का पूरा बना हुआ है, पूरा फ्रेंच आइलैंड है वहाँ पे, बानफे में बहुत फ्रेंच लोग बसे हुए हैं, और थाई लैंग्वेज तो वहाँ का लोकल है ही है। तो इस तरीके से हर एक देश में मैंने देखा 85% ऑफ द वर्ल्ड स्पीक्स फ्रेंच। एग्जैक्टली, इनफैक्ट अंग्रेजी से ज्यादा फ्रेंच बोला जाता जी, और इसीलिए आजकल जो ये कंपल्सरी हो गया, चाहे पासपोर्ट में भी आप गए तो आपका जो जानकारी अगर फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच में है या जर्मन या स्पेनिश, मगर फ्रेंच इसीलिए क्योंकि आप ज़्यादातर कंट्रीज जहाँ भी जाएंगे दुनिया में, आपका फ्रेंच के जानकारी की वजह से आपको बहुत सारा आराम होता है, बहुत फायदे होते जी, हैं जी, बहुत कहीं भी पहुंच सकते हैं आप। और साथ में मैम थोड़ा सा स्पेनिश भी मैंने देखा, काफी जो है बहुत स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं US में, जो है ज्यादातर स्पेनिश का जो चलन साउथ अमेरिका से ज्यादा है। हाँ जी हाँ। तो मगर आप फ्रेंच अगर जानेंगे जी, यू विल लर्न हर जगह जी, वो स्पेनिश आपका आराम से आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है जी, जी। तो मैम अब बात करते हैं, जैसे आप इस लैंग्वेज को आपने काफी प्रचारित किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने आके आपको यहाँ पे एक विशेष सम्मान से भी आपको पांच अकादमिक अवार्ड मिला हमको, जिसमें जो एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर फ्रांस से आकर के मुझे लखनऊ में आके उन्होंने मेरे को ऑनर किया, पांच अकादमिक अवार्ड। मैम वाकई मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप जैसे एक हाई इतने बड़े एजुकेशनिस्ट के साथ आज मैं ये डायस शेयर कर रहा हूँ। मैम इसके साथ मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपने एक बात कही मैम कि जो फ्रेंच है आप इतने दिनों से जो उसका प्रचार करती रही, आप उसको सिखाती रही बच्चों तक, कई बच्चे अंग्रेजी तक नहीं जानते हैं, या शायद वो यहाँ के बच्चे ना हो जहाँ पे आप उस भाषा में कम्युनिकेट ना कर पाए, तो एक ऐसे अगर बीच का कॉमन भाषा ना हो तो वहां पे जाके भाषा कैसे सिखाई जा सकती है, आप उनको कैसे भाषा सिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं दो बातें कहूंगी, एक तो वो है कि आपको अगर नया लैंग्वेज को सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का हेल्प लेकर के पढ़ाना है जी, जी। कुछ टीचर्स जो खुद फ्रेंच बोल नहीं पाएंगे वो इंग्लिश का मदद लेकर के बच्चों तक को आराम से पहुंचाने के लिए करेंगे, मगर वो तरीका गलत इसीलिए है क्योंकि बच्चा इंग्लिश का सहारा लेते हुए वो फ्रेंच कम सीखता है, इंग्लिश ज्यादा याद रखता है। वो जो बात करने का जो होगा वो तरीका वो नहीं डेवलप हो पाता है, वो बात नहीं कर पाते, लिख पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं जी। इसी वजह से मैंने शायद ये प्रश्न पूछा भी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंच कोर्सेस जो चल रहे हैं वहाँ पे लिखने पर और मीनिंग को समझने में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, न कि उस लैंग्वेज को बोलने पर।
तो स्किल जो है, जो एक स्पीकिंग एज अ स्किल है, वो ठीक से डेवलप नहीं हो सही पाती कह रहे है। आप क्योंकि वो इंग्लिश ही बोलते रह जाते हैं। जी वो स्पोकन स्किल का करिकुलम में दिया ही नहीं गया था। जी मैं आपको एक बात पर, एक मिनट के लिए, आप फ्रेंच नहीं जानते होंगे। ओके ओके मैं खाली एक चीज बता रही हूँ और आप उसमें आप जवाब दे प्लीज मैम, कैमरा मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं फ्रेंच में ही आपको पूछूंगी। जैसे मैं कहूंगी जमापेल मीता घोष, जमापेल मीता घोष, माय नेम इज मीता घोष। जी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं पड़ा। आपने समझ लिया क्योंकि आपने नाम बोला और थोड़ा सा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा। पेन मतलब कहीं ना कहीं नेम से होगा। जी जी वो उसमें ट्रांसपेरेंट वर्ड्स यूज करते हैं जो कि आपको इंग्लिश में भी वो समय कभी उसको लिंक कर सकते हैं। यही एक तरीका होता है जिसमें आप इंग्लिश ना बोल के फ्रेंच को फ्रेंच में पढ़ा सकते हैं और यही तरीका से आप फ्रेंच बोल सकते हैं। दोस्तों ये कितना अच्छा तरीका है, यानी अगर हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उसमें दिक्कत क्यों आती है? कुछ लोग बहुत फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश बोलने में और कुछ लोग लिख पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि पहले तो हम हिंदी में या अपने भाषा में सोचते हैं, उसके बाद उसको धीमे से ट्रांसलेट करते हैं और इन द प्रोसेस कभी कभी जो मीनिंग है दैट्स लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। तो वो जो ट्रांसलेशन में जो आपका खो जा रहा है, अगर हम ट्रांसलेट करना बंद करें, जिस भाषा को बोल रहे हैं उसी भाषा में अगर थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करें तो शायद हमारी फ्लुएंसी और उस जो लैंग्वेज का जो जो हमारा जो रिएक्टिव जो नेचर होगा वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो यही बात थी शायद मैं। बिल्कुल वो ओरल स्किल्स में हम लोग इसी पे जोर देते हैं। जी आपको हम ट्रांसलेशन नहीं कराना सिखाते, हम आपको ऐसे करके बात करेंगे कि आप थिंक करके उसका जवाब देंगे, ये जरूरी होता है। मैम इसी के साथ अब मैं थोड़ा सा और चीजों पर आगे जाऊंगा, जैसे कि जो बच्चे फ्रेंच ले रहे हैं तो उनको क्या कुछ अलग से कोई वरीयता मिलती है अगर किसी बाहर के किसी सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं या जाते हैं तो उस बच्चे को, क्योंकि एक थर्ड लैंग्वेज और आता है तो उसके बाद उसको कोई कुछ कुछ स्पेशल कुछ कोई वरीयता मिलती है, कुछ एफिनिटी? अव्वल तो ये है कि फ्रेंच सीखने से आपके एडवांटेजेस ज़्यादा है, चाहे आप जो भी जिस स्ट्रीम में आप चूज करें, एक लड़की होकर के आप फैशन जाना चाहते हैं, लड़का होकर आप साइंस में जाना चाहते हैं, आप नासा में जाना चाहते हैं, आप एरोनॉट में जाना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में जाना, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आर्ट में, एनी फील्ड, उसमें आपका ये लैंग्वेज काम आता है और आपकी लैंग्वेज जानने की वजह से आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है कहीं भी आप जहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे फैशन इंडस्ट्री के बारे में कहा, यानी फैशन इंडस्ट्री का मक्का कहे जाने वाले मिलान, राइट, पेरिस में, और इधर अगर आप देखो फ्रांस में है तो नेचुरली वहाँ पे जो एक वहाँ का अपना जो लैंग्वेज है दैट इज़ फ्रेंच, तो जो फ्रेंच बोलते हैं उनके लिए कहीं आसान हो जाता है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना और एक्सेल करना। मैम इसी के साथ कुछ और बातें हैं, ये तो बात थी फ्रेंच एज लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है बहुत कम समय में, लैंग्वेज ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप किया, लोग अब उसे सीख रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप और एक्स्ट्रा इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखें जिससे कि हमारे जो ट्रेड में हैं इनका सब बेनिफिट मिले। मैम एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सोच तो लिया, स्कूल के करिकुलम्स हो गए, कॉलेजेस के करिकुलम हो गए, लेकिन अभी भी बच्चों को ये नहीं पता है कि इसको लेके कैसे करके हम आगे बढ़ें, कहाँ पे इसका एग्जामिनेशन दें, स्कूल कॉलेज में ठीक है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, कॉलेज में एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर बच्चे इधर उधर झांकते हैं कि कहाँ पे जाके मैं करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता, पेपर में बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं आती, तो कुछ इस विषय में बताएं बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो पहले नहीं था और आज है, वो स्कूल्स में फ्रेंच इंट्रोड्यूस किया, फ्रेंच, जर्मन इंट्रोड्यूस किया, जो संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत, नहीं तो फ्रेंच या जर्मन लेते हैं। ये सबसे पहले स्कूल में पढ़ लिया आपने जितना, उसके बाद आप अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाते हैं, मगर करियर बनाने के लिए, फ्रेंच को फिर से फॉलो अप करने के लिए यहाँ पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी फ्रेंच पढ़ाते हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आलियोस फ्रांसेस लखनऊ हो, जो कि यहाँ के फ्रेंच एम्बेसी के और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पेरिस का इंस्टीट्यूशन है, लखनऊ में है, तो यहाँ पे आप जाकर के स्पोकन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स के ऊपर पढ़ते हैं। प्लीज उसको रिपीट करिएगा, आपने इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया, प्लीज फिर से रिपीट करें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में है, कॉलेजेस में है, आलियोस ट्रसेस जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लखनऊ में आजकल है, लमाटनी गर्ल्स में वो प्लेस है, वहाँ पे फ्रेंच
पढ़ाया जाता है जिसमें आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और चारों स्किल्स में आपको माहिर हो जाते हैं आप। इसी से आपका जब आप बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये तकलीफ फेस नहीं करना पड़ेगा रास्ते पर पूछने के लिए, जाने के लिए। और आपके सब्जेक्ट लायक आपको वहाँ पे फ्रेंच आती है, इसीलिए आपको इस पे बहुत फायदे हैं। तो दोस्तों इस बात को ख्याल करें, आलियोस फ्रोशेस एक्चुअली लिखा जाता है, आलियोस फ्रोशेस लिखते हैं, बट इट इज एक्चुअली स्पोकन एज आलियोस फ्रोशेस। सो ये इंस्टीट्यूशन के बारे में आप सर्च करें, लखनऊ में भी इसका ऑफिस ऑलरेडी मौजूद है, इसका सेंटर शायद लमाटनिया गर्ल्स में इनका सेंटर जी हाँ, वो भी है, एम्बेसी में है, और बहुत इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं टीचर्स, उन लोग अपने अपने टीचर्स जो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं वो लोग पढ़ाते हैं चारों स्किल। मान लीजिए मैं पढ़ाती हूँ तो चारों स्किल्स में मैंने पढ़ा दिया, आपको तैयार कर दिया एग्जाम के लिए, आप जाकर के इंस्टीट्यूशन में जाकर एग्जाम दे दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा टू प्रूव दैट यू कैन स्पीक फ्रेंच, ये वाली बात। Okay. मगर इससे फायदे क्या है आपके फ्रेंच सीखने से, वॉट आर द प्रोफेशन ओपन टू यू, राइट, सो इट यू कैन बिकम स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा आपके फॉरेन लैंग्वेज जानकारी से कनेक्टेड है ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे, जब फॉरेन गेस्ट आते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्ट लेवल उनका भी बढ़ जाता है, उन्हें जो है उनके लिए भी इंग्लिश जो है दैट्स एन फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज अडैप्टेड विद लॉट ऑफ पेन। एनीवेज अब एक बहुत अहम चीज है, एक फॉरेन लैंग्वेज को आप लेते हैं, उसको सीखते हैं, उसकी समझ बनाते हैं, उसके लिए आपको कुछ करियर प्रॉस्पेक्ट्स पता चला, जैसे अभी आपने बताया होटल है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये बातें तो है ही है मैम। इसके अलावा हमारे कुछ बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हों, और ये ज़्यादातर जो यूरोपीय देशों में जाते हैं या अमरीकी देशों में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच और स्पेनिश ये भी वहाँ पर बोला जाता है, तो उसमें भी इनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब इसकी जो प्रोफिशिएंसी है एज अ लैंग्वेज टीचर, इसकी आवश्यकता देश में कितनी है एज अ लैंग्वेज टीचर, एज अ प्रोफेशन? इस समय क्या हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट्स काफी मौजूद हैं? लखनऊ में शुरू से फ्रेंच पढ़ाया गया था मगर कभी भी स्पोकन फ्रेंच नहीं पढ़ाया गया था, इसीलिए टीचर्स भी वैसे नहीं हुए, मगर आजकल जो पढ़ाया जा रहा है उससे हमारे यहाँ पे बहुत से टीचर्स भी हैं जो प्रोफेशंस हैं और उन लोग पढ़ाते भी हैं और उन लोग सीखते भी हैं, आगे तक लेवल्स कंप्लीट करते हैं एंड दे आर एबल टू टीच फ्रेंच इन फ्रेंच ऑल्सो, मगर कम है, और भी होना तो जरूरी है। स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप है कि जो यहाँ पे फ्रेंच पढ़ेंगे फ्रेंच टीचर्स चाहिए, फ्रेंच टीचर्स चाहिए, तो यानी जो यहीं से जो जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो प्रोफिशिएंसी कर रहे हैं दे कैन टीच इन लखनऊ एज वेल, दे हैव दैट एबिलिटी द कैपेसिटी टू टीच, दैट्स इट। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें फ्रेंच के गुरुओं की बहुत आवश्यकता है, और बता दूं हमारा करियर काउच गुरु जो कि हम करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम लेके अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, उसमें भी हमने लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत काम किया है, हमने इसीलिए विदेशी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर भी हमने एक पोर्शन रखा है जहाँ पे आप चाहें तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जो जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर मीता घोष जी हैं, ये खुद आपको बताएंगे कि कैसे करके फ्रेंच को बहुत आसानी से आप सीख सकें। मैम सी पी के बारे में आपको मैंने बताया था, जैसे करियर का उच्च गुरु, अब हर एक कॉलेज हर एक इंस्टीट्यूट में जाके हम लोग करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों ने इसको जिस डिज़ाइन दिया है, एक नया शेप दिया है और कोशिश किया कि बच्चों को आसानी से वो एक्सेप्ट हो सके। मैम ये छोटे छोटे कोर्सेज होंगे, इसमें लैंग्वेज कोर्सेज हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, मैम ये जो छोटे कोर्सेज हैं जो बच्चों को फिलहाल एक फाउंडेशन दे सकती हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ज़िंदगी में? देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपने सर्टिफिकेट पाने के लिए किया वो छोटे कोर्स उसमें आपका आ जाएगा सर्टिफिकेट, मगर आपने अगर किसी को प्रोफेशन बनाना है तो वो छोटे कोर्स में कुछ घंटों का कोर्स में आपका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन स्पोकन फ्रेंच, इसलिए आपको वो कोर्सेज करने पड़ेंगे जिसमें कि आप फ्रेंच बोल सकें, आप उस सब्जेक्ट को समझ सकें, जब पढ़ेंगे तो, जब बोलेंगे तो, जो सुनेंगे तो, इसीलिए आपको उसमें कुछ ज़्यादा ही फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए लेवल्स होंगे, अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड के हैं इंग्लिश में आप जानते हैं तो क्या आप फिफ्थ स्टैंडर्ड लेवल इंग्लिश में जाकर आप हर जगह बात कर सकेंगे? नहीं, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो उस तरह आप फ्रेंच तो इसीलिए आप जल्दी से अगर सीखना शुरू करेंगे तो आप जल्दी आप स्कूल से सीखिए और जितना आप आगे जाएंगे आप सीखेंगे।
मैम अब आते हैं एक और कोर एरिया में जो कि आपका बहुत विशेष एरिया है और वो है एरिया ऑफ हैप्पीनेस। जी सो बिल्कुल। एरिया ऑफ हैप्पीनेस, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कहीं ना कहीं हम मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशियों की बात कर रहे हैं। बताइए, खुशियों को भी सीखना पड़ रहा है और खुशियों को सीखने के लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया जाता है। कोर्स करना पड़ रहा है मैम खुशियों के लिए, आज खुश होने के लिए भी एक कोर्स है। ये सुन के कैसा लगता है? अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं ताज्जुब होता है कि अब कहीं ना कहीं हम इंसान बनने के लिए एक्चुअली ट्यूशंस और कोचिंग के तहत बनेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है हैप्पी होने की, इसीलिए। तो मैम ये क्या है ये एजुकेशन के तहत पर ये जो लर्निंग, हैप्पीनेस लर्निंग है, ये क्या है मैम, इसके विषय में थोड़ा बताएं। इसके विषय में ये हम कह सकते हैं कि जो हम एक स्टूडेंट है, हम पढ़ने बैठे हैं, आज मेरा होमवर्क करना है, कल मेरे एग्जाम है, कल मेरे को इतना परसेंटेज लाना है, कल मेरे माँ बाप के पास मेरे को जवाब देना है। ये स्ट्रेस से रिलैक्स होने के लिए, टू एन्जॉय योर स्टडिंग एंड लर्निंग, टू रिमेम्बर, उसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, ताकि वो उस चीज़ को लाइटली ले, ताकि उस चीज़ को जो पढ़ रहे उसको खुशी से समझ ले और हमेशा से याद रखे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी, मान लीजिए मैं कुछ बच्चों को लेकर के बैठी हूँ और मैं उनको पूछूंगी, अच्छा वीकेंड में आपने क्या क्या किया, तो वो लिखना शुरू करें, मैं राय लिखी, आप मेरे नाना जी आए थे तो मैंने ये किया था, फिर मैंने पढ़ाई भी थोड़ी सी करी। जो जो एक्टिविटीज़ आपने खुश मन से किया वो आपने खुश मन से बताया, जिससे आपको मारपीट होना हुआ या कुछ तकलीफ हुई तो वो आप नहीं याद करेंगे, नहीं याद करूंगा, तो राइट, वो खुशियों को याद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हैप्पीली यू स्टडी हैप्पीली एंड रिमेम्बर हैप्पीली, यू डोंट फॉरगेट दैट। तो मैम देखा जाए तो ये जो हैप्पीनेस के लिए जो अलग से कोर्स पूरा डिजाइन हो जाए, तो बच्चे कहीं ना कहीं सोचेंगे ऑलरेडी पढ़ाई का इतना लोड है, खुशियों को भी सीखने के लिए एक और कोर्स नहीं, ये हम भी इसको कोर्स नहीं, हम लोग पढ़ाते नहीं है, मगर हम लोग आपको जागरूक, हम लोग कैसे लिए देते हैं नॉलेज, ताकि आप जानिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन। आप इस वे रिलैक्स होकर के पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इस तरह की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बातों को रखी, और फ्रेंच के बारे में, खुशियों के बारे में आपने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। सो रियली ये जो एपिसोड था, मुझे लगता है कि एक्चुअल जो एजुकेशन यानी जो शिक्षा होती है, हम मैं बार बार कहता हूँ कि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल अबाउट हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू नो, हाउ मच यू अडेप्ट टू ब्रिंग दैट चेंज इन, ये बहुत आवश्यक है। और आज प्रोफेसर मीता घोष की वजह से आज हम कई बातों को बहुत हम लोगों ने गहराई से समझा, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ तक कि खुशियों का भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है, उसके भी स्पेशलिस्ट बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर मीता घोष, और आज हम बात कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज और खुशियों के डिपार्टमेंट के बारे में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसे कई कोर्सेज को लेके हम बार बार आपके पास आते जाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, करियर काउच में शुभांकर देखते रहिएगा हर रविवार रात 9 बजे on Prime TV. Bye bye. Take care. रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।